नमस्कार, मैं कंचन माहेश्वरी और आप देख रहे हैं एसके लाइव एक्सक्लूसिव। सोमवार यानी 19 नवंबर देव उठनी एकादशी है। सभी को इसकी अग्रिम में शुभकामनाएं। देव उठनी एकादशी हिंदू धर्म के एक पर्व के रूप में मनाई जाती है। यह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, जो 4 महीने से योग निद्रा में सोए हैं, उनको जगाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन संपूर्ण देवी देवता भगवान को जगाने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। देव उठनी एकादशी यानी देवों के जागने का पर्व, यह वह समय है जब जीवन में खुशियां आने लगती है। इसलिए जितने भी मांगलिक कार्य हैं, शादी विवाह एवं उत्सव हैं, इस दिन शुरू हो जाते हैं। किसी की कुंडली में कोई दोष होता है या कोई शुभ दिन नहीं मिल पा रहा है विवाह आदि के लिए, तो देव उठनी एकादशी एक उपयुक्त दिन माना जाता है। लेकिन आपको बता दें, इस वर्ष यह संयोग संभव नहीं हो पाएगा, कारण कि गुरु अभी भी अस्त है। धर्मशास्त्रियों ने बताया है कि इस वर्ष शादी विवाह की तिथि एकादशी नहीं बल्कि 7 दिसंबर के बाद ही सही है, जब गुरु उदय होगा। अब बात करते हैं देव उठनी एकादशी की, जो बेहद खास मानी जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु के लिए खास व्रत रखा जाता है, उनकी पूजा की जाती है, भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। इसी दिन संध्या के समय पंचमेवा और मखाने की खीर बनाई जाती है। भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है। गन्ना, सिंघाड़ा एवं अन्य सीजनल फ्रूट्स रखे जाते हैं प्रसाद में। मूली एवं बैंगन को भी प्रमुख माना गया है। इसी दिन तुलसी विवाह करना भी बेहद लाभकारी माना गया है। तुलसी का विवाह शालिग्राम जी, जो कि भगवान विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं, उनके साथ किया जाता है। सबसे पहले तुलसी को साफ करके उनके गमले को सुंदर सजाया जाता है। शालिग्राम जी पर हल्दी लगाने से बेहद लाभ मिलने की बात शास्त्रों में बताई गई है। हल्दी से जीवन में सुख संपन्नता आती है और जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, वह शालिग्राम जी को हल्दी अर्पित करें तो उनके लिए लाभदायक होगा। तुलसी जी को चुनरी उड़ाकर सिंदूर, बिंदी एवं अन्य सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। फिर शालिग्राम जी के साथ रक्षा सूत्र या मोली से गठबंधन कर फेरे दिलाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में पंचमेवे का भोग लगता है। जो व्रती होते हैं उनके लिए ताल मखाने की खीर का भोग लगाना शुभ माना गया है। उस दिन अन्न नहीं खाते, मतलब चावल की खीर नहीं बनाते हैं। एकादशी का व्रत मन को शांत, स्टेबल करने के लिए किया जाता है। चूंकि चावल की खेती में बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग होता है और जितना वाटर कंटेंट हम अपनी बॉडी में बढ़ाएंगे, इमोशंस को कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। खैर, इस विषय पर अपने विस्तार में कभी और बात करेंगे। अगर आप किसी मनोकामना से व्रत रख रहे हैं तो उस दिन तुलसी जी के आगे गाय के घी का दीपक जलाकर अपनी मनोकामना कहते हुए शालिग्राम जी और तुलसी जी की 8 परिक्रमा करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से मनोकामना जरूर पूरी होती है। जिन्होंने व्रत रखा है उनके लिए दूसरे दिन सुबह 6 से 8 बजे के बीच का समय शुभ बताया गया है व्रत पारण के लिए। इन्हीं उपायों के साथ आशा करती हूँ कि देव उठनी एकादशी का यह पर्व आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेकर आएगा। जुड़े रहिए एसके लाइव के साथ ऐसे ही रोचक बातों के लिए। धन्यवाद।